प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास वन का इंग्लिश ग्रामर चैप्टर थ्री, नेमिंग वर्ड्स नाउंस। नाउंस जो हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। किसी भी चीज़ के जितने भी नाम हैं वो नाउंस ही कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन सीखेंगे। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल और अ बर्ड। नेमिंग वर्ड्स आर एवरीवेयर टू बी सीन। नाउन जो है वो किसी भी व्यक्ति का, जगह का, चीज़ का, जानवर का या किसी चिड़िया का नाम हो सकता है, इसी को हम नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स आर एवरीवेयर टू बी सीन। हम कहीं भी जब इंग्लिश पढ़ते हैं हमें नेमिंग वर्ड्स दिखाई देते हैं। लुक एट द फॉलोइंग, नीचे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, उनके आगे सेंटेंस हैं। अगर हम किसी बच्चे के लिए बात करते हैं या किसी भी चीज़ को देखकर पूछते हैं हु इज दैट, तो इसका रिप्लाई होता है दैट इज स्वाति। स्वाति इज द नेम ऑफ अ पर्सन। अनदर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक चेयर का फोटो बना हुआ है। What is this? This is a chair. Then chair is a name of object. Chair जो है, जो यहाँ पर चीज़ दिख रही है उसका नाम है। One more example. There is the red fort. The red fort is in Delhi. Delhi is the name of place. Where is Red Fort? Red Fort कहाँ पर है? The Red Fort is in Delhi. Delhi में है Red Fort. और Delhi is the name of place. Delhi जो है वो एक जगह का नाम है। Who is this? ये कौन है? This is Anuj. ये अनुज है। अनुज is the name of person. अनुज जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है। What is that? That is a cow. ये cow है, गाय है। Cow is the name of animal. Cow जो है एक जानवर का नाम है। What is that? इस picture में देखिए एक photo दिख रहा है। That is Taj Mahal. Taj Mahal is the name of historical building. Taj Mahal जो है वो भी किसी historical building का नाम है। इसी तरह हर चीज़ का नाम होता है। एवरीथिंग हैज़ अ नेम। हर चीज़ का नाम है। पीपल हैव नेम, प्लेस हैव नेम, ऑब्जेक्ट हैव नेम। जैसे लोगों का नाम होता है उसी तरह जगह का भी नाम होता है और चीज़ों का भी नाम होता है। एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट सभी के नाम होते हैं। लुक एट द ग्रीन कॉलम, फ्रूट एंड वेजिटेबल ऑल्सो हैव नेम। सब्जियों और फलों के भी अपने नाम होते हैं। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, जो नाउन होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। अब हम यहाँ नाउन के टाइप पढ़ेंगे। आपके कोर्स में कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन, जनरल नेम आर कॉल्ड कॉमन नाउन। किसी भी चीज़ों के साधारण नामों को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे दे डू नॉट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, और ये कैपिटल लेटर से नहीं लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम किसी चीज़ का नाम लिखते हैं बच्चों तो कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। ताजमहल होगा तो टी कैपिटल से आएगा। आपका अपना नाम होगा वो भी स्टार्टिंग कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, शॉप, डे, सिटी, बर्ड्स, पेंसिल। एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम सीखेंगे। जैसे लड़का, शॉप, दुकान, दिन, शहर, बर्ड, चिड़िया, पेंसिल, ये कॉमनली चीज़ें हैं। ये भी नाउन हैं लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बता रहे, पर्टिकुलर दुकान के नाम को नहीं बता रही। डे से हमें किसी पर्टिकुलर डे का पता नहीं चल रहा। सिटी से हमें किसी स्पेशल सिटी का पता नहीं चल रहा। ऐसे ही बर्ड एंड पेंसिल से हमें एक पर्टिकुलर चीज़ का पता नहीं चल रहा है।
तो हम इनको कॉमन नाउन कहते हैं। हम नीचे वाली पिक्चर्स को देखेंगे। नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स। डॉक्टर, पोस्टमैन, कारपेंटर, कॉबलर, दीज ऑल आर द नेम ऑफ पीपल। ये सभी लोगों के नाम हैं। नेमिंग वर्ड सच एज दीज आर कॉल्ड नाउन। नेम ऑफ ऑल दीज पीपल्स आर कॉमन नाउन। इनको कॉमनली इनको बोला जाता है। ये सभी बहुत सारे पोस्टमैन खड़े हैं तो भी हम बोलेंगे ये पोस्टमैन है। अब उस पोस्टमैन का नाम लेके अगर हम बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, लेकिन हमें कॉमनली हम किसी को बोलते हैं तो वो कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नाउन में आएगा। अब नीचे देखिए पिक्चर्स में कुछ एनिमल्स के पिक्स बने हुए हैं और उनके नीचे नाम लिखे हैं। रैबिट, हॉर्स, बियर, शीप, दीज आर द नेम ऑफ एनिमल्स। नेमिंग वर्ड्स सच एज दीज आर कॉल्ड नाउन। ये जानवरों के नाम हैं और नेमिंग वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं। नेम ऑफ ऑल दीज एनिमल्स आर कॉमन नाउन। ये सबके कॉमन नाउन हैं। इनको इनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जैसे किसी के यहाँ घोड़ा होता है उसका एक नाम होता है। डॉग का अपने घर के हमारे घर में एक पेट रहता है डॉग, उसका भी एक अपना नाम होता है। लेकिन अगर नॉर्मल कॉमनली हम बोलते हैं घर में है तो कुत्ता है, कोई भी बोलता है इनके यहाँ कुत्ता है, वो नाम से नहीं बोलेगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। अगर वो नाम से नहीं बोलेगा तो वो कॉमन नाउन होगा। अगर वो नाम लेके बोलता है प्रॉपर नाउन कहलाएगा। दीज आर द नेम ऑफ एनिमल्स। नेमिंग वर्ड सच एज दीज आर कॉमन नाउन्स। नेम ऑफ दीज एनिमल्स आर कॉमन नाउन। ऐसे ही नीचे कुछ चीज़ों के फ़ोटो बने हुए हैं। नाइफ, चाकू, फैन, पंखा, बुक, किताब, टेबल, मेज़, बॉल, गेंद। दीज ऑल आर द नेम ऑफ थिंग्स। ये भी किन्हीं वस्तुओं के नाम हैं। नेमिंग वर्ड सच एज दीज आर कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। नेम ऑफ दीज थिंग्स आर कॉमन नाउन। ये भी कॉमन नाउन है। नीचे कुछ जगहों के नाम भी दिए हुए हैं। स्कूल, पार्क, टेम्पल, बैंक। ये भी एक कॉमन नाउन है क्योंकि हम कॉमनली केवल एक स्कूल बोल रहे हैं। सारे ही स्कूल हैं। पार्क, कोई सा भी पार्क इसमें आ सकता है। टेम्पल, कोई सा भी मंदिर आ सकता है। बैंक, कोई सी भी बैंक आ सकती है। अगर यहाँ लिखा होता KBS स्कूल देन इट इज़ प्रॉपर नाउन। यहाँ लिखा होता नेहरू पार्क तो ये प्रॉपर होता। अभी यहाँ केवल पार्क लिखा, इट मीन्स ये कॉमन नाउन है। कम ऑन द नेक्स्ट पेज। दी ऑल आर द नेम ऑफ प्लेसेस। जो पीछे पिक्चर्स थी वो सभी जगहों के नाम थे। नेमिंग वर्ड सच एज दीज आर कॉल्ड नाउन। इन सभी चीज़ों को हम नाउन कहते हैं। नेम ऑफ दीज प्लेस आर कॉमन नाउन। इन सब के जो नाम हैं वो कॉमनली लिखे हुए हैं इसीलिए उनको हम कॉमन नाउन कहेंगे। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज। हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क। नीचे एक देखिए पिक्चर बना हुआ है पार्क का। फाइंड द नेम ऑफ द 10 कॉमन थिंग्स दैट यू सी हियर। नीचे जो आपको चीज़ें दिख रही हैं उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। कलर द बॉक्सेस। उन बॉक्सेस को कलर करना है। देखिए जिस इस पिक्चर में जो जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, लाइक काओ दिख रही है तो काओ को आपको कलर करना है, काओ वाले बॉक्स को। सेकेंड बॉक्स में लिखा हुआ है लॉइन। आपको लॉइन दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा तो हम उसे कलर नहीं करेंगे। थर्ड ब्लॉक में हट। नीचे देखिए पिक्चर में हट दिख रहा है तो हम उसे कलर करेंगे। जो चीज़ें नीचे वाले पिक्चर में दिख रही हैं हम उनको कलर करेंगे। कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स बाय कॉमन नाउन विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लू। यहाँ पूरी एक लाइन दी हुई है और उसके ऊपर हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो वो हमें फिलअप्स में फिल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको कॉपी में भी करना होगा बच्चों। आई मेक थिंग आउट ऑफ द वुड। मैं लकड़ी की चीज़ें बनाता हूँ। आई एम अ लकड़ी की चीज़ें कौन बनाता है? कारपेंटर। आई फाइट द एनिमी ऑफ अ कंट्री। मैं देश के दुश्मनों से लड़ता हूँ। आई एम अ सोल्जर।
थर्ड में लिखा हुआ आई ट्रीट यू व्हेन यू आर इल, मैं आपको ट्रीट करता हूँ जब आप बीमार होते हो। कौन ट्रीट करता है बेटा? आई एम अ डॉक्टर, डॉक्टर ट्रीट करता है जब आप बीमार होते हो। आई ब्रिंग योर लेटर्स, आपकी चिट्ठी कौन लाता है? आई एम अ पोस्टमैन, पोस्टमैन लेकर आता है। ऊपर पिक्चर भी बना हुआ है, आई कैच द रॉबर, डाकुओं को कौन पकड़ता है? पुलिसमैन। आई ग्रो क्रॉप, फसल कौन उगाता है? फार्मर, आई एम अ फार्मर। आई मेंड शूज, जूते कौन जोड़ता है, सही करता है? कॉबलर। देन आई एम अ कॉबलर। आई बेक ब्रेड एंड केक, ब्रेड एंड केक कौन बेक करता है? बेकर, बी ए के ई आर। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड रीड द सेंटेंस। द पुलिसमैन इज अरेस्टिंग द थीफ, पुलिसमैन चोर को पकड़ रहा है। तो इसे पुलिस एंड थीफ दोनों नाउन हुए। डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट, डॉक्टर भी नाउन है और पेशेंट भी इसमें नाउन होगा। अ प्लम्बर इज रिपेयरिंग द टैप, प्लम्बर व्यक्ति का नाम है और टैप चीज़ का नाम है, तो दोनों चीज़ नाउन हो गई। इसमें हमें सेंटेंस में से नाउन पिकअप करने हैं। अ टीचर इज टीचिंग दिस विद बुक, अ टीचर इज टीचिंग विद बुक, तो टीचर भी एक व्यक्ति का नाम है और बुक भी एक चीज़ का नाम है। अ बार्बर इज कटिंग हेयर ऑफ अ बॉय, बार्बर भी इसमें व्यक्ति का नाम है और बॉय भी एक व्यक्ति को कहा जाता है, तो दोनों इसमें नाउन हो गए। अ ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार, ड्राइवर एक व्यक्ति को कहा जाता है जो कार चलाता है, और कार किसी चीज़ का नाम है, तो दोनों चीज़ नाउन हो गए। कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द स्पेलिंग, यहाँ हमारे सामने एट पिक्चर्स दी हुई हैं और हमें इसको कंप्लीट करना है, स्पेलिंग्स को। बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, किसी में फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट वर्ड पर दिया है, तो आपको जो पिक्चर ऊपर है उसकी स्पेलिंग नीचे लिखनी है। मैंने आपके लिए करके लिखा हुआ है, फर्स्ट वन इज़ बुक, सेकेंड वन इज शूज़, पेन, कोट, पिज़्ज़ा, बस, कंप्यूटर, कार। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर ई, कंप्लीट द नेम ऑफ नेम एंड पेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले यहाँ हमारे सामने कुछ पिक्चर्स दी हैं, उनकी स्पेलिंग कंप्लीट करनी है और उनके सामने उनके पेयर्स दिए हैं तो उनके साथ उनको मैच करना है। टेबल, टेबल के साथ पेयर में क्या आता है? चेयर, तो चेयर मैच कर दिया। सॉक्स, शूज, मेडल, थ्रेड, बैट, बॉल, ब्रेड, बटर। जितने भी एक्सरसाइज है बेटा, यू हैव टू फिल इन योर बुक। कम ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, यहाँ पर ऊपर पिक्चर्स दी हुई हैं, लुक एट देम, राइट द नेम ऑफ द करेक्ट कॉलम। देखिए बहुत सारी पिक्चर हैं, फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर पीपल, सेकेंड कॉलम इज़ फॉर प्लेस, थर्ड कॉलम इज़ फॉर एनिमल एंड लास्ट कॉलम इज़ फॉर थिंग्स। तो जितने भी लोग दिए हुए हैं उनके नाम आपको इस कॉलम में लिखने हैं, प्लेसेस दिए उनको यहाँ लिखने हैं, एनिमल्स दिए उनको यहाँ लिखते हैं, और थिंग्स के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। यू कैन डू इन योर बुक ओनली, ये एक्सरसाइज केवल आपको बुक में करनी है। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर नाउन दिए गए हैं, मैंने जब पढ़ा रही थी आपको समझाया था प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और कॉमन नाउन को नहीं लिखा जाता। गर्ल देखिए स्मॉल से लिखा हुआ है, मैन स्मॉल एम से लिखा हुआ है, सिटी भी स्मॉल एम से लिखा हुआ है, बिल्डिंग में बी भी स्मॉल से लिखा हुआ है, लेकिन
इसमें जो ब्लॉक के आगे नाम लिखे हैं उसमें एवरीथिंग इज रिटन इन कैपिटल लेटर, कानपुर, मिनी, रेड फोर्ट। अब इसमें जो गर्ल का नाम है उसको हमें सर्कल करना है, मेन वाले कॉलम में मेन के नाम को सर्कल करना है, सिटी वाले कॉलम में सिटी के नाम को सर्कल करना है और बिल्डिंग वाले कॉलम में बिल्डिंग के नाम को सर्कल कर दिया है। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं, इनके नाम आपको लिखने हैं। फर्स्ट पिक्चर इज नेम इज बैंक, सेकंड पिक्चर नेम इज पार्क, थर्ड वन टेंपल, फोर्थ ताजमहल, फिफ्थ सिनेमा, बेडरूम, स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, यहाँ आपका कॉपी वर्क है पूरा। डेफिनेशन ऑफ नाउन आपको लिखना है, उसके बाद राइट द नेम ऑफ द फाइव, राइट द नेम ऑफ फाइव पर्सन्स, एनिमल्स एंड प्लेसेस, अंडरलाइन द नाउन। इन सब को आपको कॉपी में करना है। थैंक यू, एंड वॉट एवर यू हैव डाउट राइट इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन आस्क इन स्कूल ऑल्सो। थैंक यू।